हाय, मेरा नाम है लोकेश और फाइनेंशियल फ्रीडम यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस में चेंज करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। गाइस, अगर आपको पता है 2011 का जो जनगणना हुई उसमें हमारे यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 75% का निकल गया है कि 75% लोग पढ़े लिखे हैं। अब उसकी एक डेफिनेशन है कि कितने को पढ़ा लिखा माना जाता है, जिनको नाम अपना नाम पढ़ना या लिखना आए। तो उस 75% में से अगर आप जेंडर वाइज देखेंगे तो 84% मेन है, लेकिन सिर्फ 70% वुमेन है। आप देख रहे हैं कितना जेंडर वाइज डिस्पैरिटी है। ओवरऑल 74 है लेकिन 84 मेन है एंड सिर्फ 70% वुमेन है। तो इसकी वजह से होता क्या है, जहां औरतें अपने यहां पे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या फीमेल्स पढ़ी लिखी नहीं है तो उसकी वजह से जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उतना ही खराब है। आइडियली अगर हम बराबर हैं, वुमेन एंड मेन बराबर हैं, तो मेरा मानना है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके हिसाब से उतना ही होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो लगभग पूरे दुनिया में, अगर पूरे दुनिया की वैल्यू अगर आप ऐसा माने कि 1 करोड़ रुपए है, मान लीजिए सिंपल नंबर के लिए लेते हैं, तो उसमें से 40 लाख रुपया वो लेडीज होल्ड करती हैं और 60 लाख रुपया मेन होल्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये और खराब है। इंडिया में सिर्फ 20-30% लेडीज होल्ड करती हैं और 70-80% मेन होल्ड करते हैं। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा डिस्पैरिटी है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम कोई लॉ बना देंगे इससे वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, तो हाँ ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगा डेफिनेटली, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया एजुकेशन में डिस्पैरिटी एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पैरिटी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इस गैप को कम करने के लिए जनवरी 2015 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की, विच इज सुकन्या समृद्धि योजना। इस का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो हमारे यहाँ पे गर्ल्स हैं, जो हमारे यहाँ पे छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए एक वेल्थ जनरेटिंग स्कीम हो जो ओवर द टाइम उनके लिए वेल्थ जनरेट करे। और होगा क्या, इससे धीरे धीरे जो ये मैंने डिस्पैरिटी आपको बताई वो गैप एक कम हो जाएगा। क्या ये यही एक तरीका इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा? नहीं, बट ये वन ऑफ द स्टेप है। तो सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ओपन किया जा सकता है, एंड अगर गर्ल की लड़की की उम्र 10 से कम है तो ही उसके लिए ये ओपन किया जा सकता है। और इसको कौन ओपन कर सकता है? सिर्फ लड़की के गार्जियन या उसके माता पिता, कोई और नहीं ओपन कर सकता इस चीज को। अब आपको समझ में आ गया होगा बेस कि क्यों ये स्कीम बनाई गई है, इसका पर्पस क्या है। अब कुछ लोग इसकी इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको स्टॉक से कंपेयर करने लगते हैं, तो वो मुझे गलत लगता है, क्योंकि हर चीज का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, स्टॉक का अपना एक ऑब्जेक्टिव है और ये सुकन्या समृद्धि योजना का एक अपना एक ऑब्जेक्टिव है। ये गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए, ताकि उनकी एक वेल्थ जनरेट हो और सिक्योर हो, सिक्योर हो। बाकी जो स्कीम्स हैं स्टॉक वगैरह की वो सिक्योर नहीं होती 100%, ये 100% सिक्योर है। इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा, बट फिक्स्ड रिटर्न नहीं है। हर बार गवर्नमेंट आके अनाउंस करती है अगर कोई चेंज होता है, बट उन्होंने ये जरूर कहा है कि पीपीएफ से हमेशा सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा ही रहेगा। अभी जो है 7.6% चल रहा है जब मैं ये अप्रैल 2021 में ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आप इसमें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो मिनिमम आपको 250 रुपया सालाना इन्वेस्ट करना है। 250 रुपया कुछ नहीं है मेरे भाई लोग, कुछ भी नहीं है। 250 रुपये एक दिन में हम जाते हैं बाहर खा के चले जाते हैं, है ना। तो 250, आप अकाउंट तो ओपन कर ही दीजिए, ज्यादा उसमें पैसा ना डालिए, बट अकाउंट तो ओपन कर ही दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा भी उसमें डालते रहेंगे ना, वो 20-21 साल में एक बहुत अच्छा अमाउंट वहां पे एक्युमुलेट हो गया होगा। तो ये इसका अमाउंट है
तो आपको मिनिमम 250 रुपया पर ईयर इसमें डालना है। अब इसमें आप 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते आप इस। अगला प्रश्न है कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। इसके लिए हर वो लड़की एलिजिबल है जिसकी उम्र 10 या 10 साल से कम है, लेकिन इसका अकाउंट जो है वो लड़की के जो गार्जियन है, जो बच्ची के गार्जियन है, वो ही ओपन कर सकते हैं या फिर उसके माता पिता ओपन कर सकते हैं, कोई भी नहीं ओपन कर सकता। तो ये इसका है। और हाँ, एक फैमिली में सिर्फ 2 अकाउंट ओपन हो सकते हैं, तो अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप उसके लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अगर आपकी तीसरी बेटी है तो नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी। लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें आप 3 अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। मान लो आपकी पहली बच्ची हुई और जो दूसरी बच्ची हुई उस समय आपको ट्विंस हो गए, तब आप, यही एक केस है जहां पे आप 3 अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं ट्विंस के केस में, बाकी और कोई केस में नहीं। ये एक बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। देन नेक्स्ट एल्स, किसे ये अकाउंट ओपन करना चाहिए। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि हर उस आदमी को, हर उस भारतीय को ओपन करना चाहिए जिसके पास एक बच्ची है। फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं, गरीब हैं, बहुत पैसा है, कम पैसा है, क्योंकि सिचुएशन बदलती है, लेकिन ये अकाउंट में जो पैसा होगा वो आपकी बच्ची को लॉन्ग टर्म में काम आएगा, शादी में काम आ सकता है, उसकी पढ़ाई में काम आ सकता है, उसके पैशन पूरे करने में काम आ सकता है, कहीं पर भी काम आ सकता है। और है भी क्या ये 250 रुपये सालाना, तो मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा रीजन है जिसमें आपको ये अकाउंट नहीं ओपन करना चाहिए। आप 250 रुपये सालाना डाल दीजिए ना, एक अकाउंट तो रखिए अपनी बच्ची के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हैं। तो ये आप पोस्ट ऑफिस में या तो ओपन कर सकते हैं, या तो कुछ जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको भी अप्रूवल है, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, वहां पे भी आप ऑनलाइन इवन अपने फोन से ओपन कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मुझे अकाउंट क्लोज करना रहा लोकेश तो मैं कैसे क्लोज करूंगा। इसी कुछ केसेस है जिसमें आप क्लोज कर सकते हो। पहली चीज, अगर आपकी बच्ची की, जिसके नाम पे ये अकाउंट है, उसकी ऐसी कोई तबीयत खराब हो गई जीने मरने की नौबत आ गई है, तब आप इसको रिक्वेस्ट डाल के वो अकाउंट ओपन क्लोज करके पैसे निकाल सकते हो। दूसरा है कि आपकी बच्ची की शादी 21 साल से पहले, वैसे इसका लॉकिंग पीरियड 21 साल है, उससे आपके पहले 20वें साल में या 19वें साल में जो भी आप अगर उसकी शादी कर रहे हैं तो उस समय भी आप रिक्वेस्ट देके अकाउंट क्लोज कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा है केस की, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट केस और बहुत बुरा केस है, कि अगर बच्ची की डेथ हो जाती है तो भी आप अकाउंट, ऑब्वियसली बात है कि उसका अकाउंट का कोई मीनिंग ही नहीं, जिसकी वजह था वो है ही नहीं, तो भी आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। ये कुछ एज केसेस है जहां पे आप क्लोज कर सकते हैं। एल्स 21 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली अकाउंट समझ लीजिए क्लोज ही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई इंटरेस्ट इसमें मिलता नहीं है, सिर्फ 21 साल तक ही इसमें इंटरेस्ट मिलता है। एक और क्वेश्चन था कि क्या NRI इसका फायदा ले सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नहीं, सॉरी, अल्टरनेटिव्स कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए है तो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है जो हम ओपन कर सकते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव एक्चुअली PPF है। तो PPF आप किसी के लिए भी, अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए, किसके लिए भी ओपन कर सकते हैं, तो वो ही इसका सबसे बड़ा एक अल्टरनेटिव है। अगर आपके पास बेटा है तो उसके लिए PPF अकाउंट ओपन कर दीजिए, अगर आपके पास बेटी है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करके, ओपन करने के बेनिफिट क्या क्या है। भाई बेनिफिट तो मतलब आपकी बच्ची के लिए एक सिक्योर अमाउंट बन रहा है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा जितना अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो सारा का सारा अमाउंट टैक्स फ्री है, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब आप ये अमाउंट निकालेंगे तो भी वो अमाउंट टैक्स फ्री होगा, ना तो उसके इंटरेस्ट पे कोई टैक्स लगेगा, ना लॉन्ग टर्म गेन में कोई टैक्स लगेगा। तो अगर टैक्स की भाषा में बोले तो ये ATC में आता है, प्लस एक टर्मिनोलॉजी है EEE करके, एग्जेम्प्ट कि आप जब जो पैसा भर रहे हो उस पर कोई टैक्स नहीं है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है, इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म एक गेन होता है उस पर टैक्स लगता है, वो भी कोई टैक्स नहीं है। तो इसके ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली जिसके पास ये बच्ची है वो डेफिनेटली अकाउंट ओपन करना ही चाहिए।
आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी और इससे आपको डिसीजन लेने में जरूर कोई ना कोई फायदा होगा। अगर आप ये सेम चीज पढ़ना भी चाहते हैं, आर्टिकल शेयर करना चाहते हैं, पहले तो आप ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं इस सुकन्या समृद्धि योजना का व्हाई इट एग्जिस्ट एंड हु शुड ओपन द अकाउंट, ये मेरे उसका टाइटल है आर्टिकल का, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।